Morning children, welcome to our e-classes of St. Xavier School, Adipur. We are doing now chapter number 6. Okay children, chapter number 6, part 3. Chapter number 6, time. What is the meaning of time? हम टाइम कैसे देखते हैं? टाइम का मतलब है टाइम से हमें सब डेली रूटीन हमारा टाइम से सेट करना चाहिए. और टाइम हम कैसे देखते हैं? क्लॉक के थ्रू. हमने क्लॉक में भी टाइम देखना सीखा. अगेन नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम वर्कबुक. दिस इज पार्ट 3, 132 पेज. नाउ लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फादर्स डेली रूटीन. पापा डेली क्या करते हैं, कौन से टाइम पे करते हैं, उस पे हम पहले क्या करते हैं वो सब नंबर्स लगाएंगे. ओके चिल्ड्रन, नाउ यू कैन सी ऑल द पिक्चर्स. दिस इज पेज नंबर 132. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? सो अर्ली इन द मॉर्निंग पापा क्या करते हैं? नंबर 1, मॉर्निंग में उठते हैं, है ना, ये नंबर 1 है. नंबर 2, मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, तो ये नंबर 2 है. देखो म्यूजिक सुन के मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं. देन अगेन नंबर 3, कमिंग होम एंड ड्रिंकिंग टी, आके चाय पी रहे हैं, तो ये नंबर 3 है. ओके नाउ नंबर 4, ही गॉट रेडी, पापा रेडी हो गए और क्या कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट के लिए नंबर 4. उसके बाद क्या कर रहे हैं? ऑफिस जा रहे हैं. ओके डैडी स्कूटर में ऑफिस जा रहे हैं. आपके डैडी कभी कार में जा रहे हैं? ओके कोई बस में जाते हैं. नाउ ये इनके डैडी बस स्कूटर में जा रहे हैं. ओके और नंबर 7 क्या है? नाउ सी यू कैन सी द पिक्चर. नंबर 6 में बच्चों को पढ़वा रहे हैं. ओके डैडी शाम को आके ऑफिस से बच्चों को पढ़ा रहे और फिर बाद में बैठ के टीवी देखते हैं. सो दिस इज द डेली रूटीन ऑफ डैड. ओके नाउ अगेन सेकेंड एक्सरसाइज विल डू. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द एक्टिविटी दैट टेक लॉन्गर टाइम एंड रॉन्ग फॉर द एक्टिविटी दैट टेक शॉर्टर टाइम इन द गिवन. अब क्या है यहाँ पे, ये पेज 133 पे एक्टिविटी है, वो क्या है? हमें देखना है कौन सा आइटम ज्यादा टाइम लगा रहा है और कौन सा स्लो. अब इस तरह से पिक्चर यहाँ पे कंपैरिजन है. नाउ सी टैप में से पानी आ रहा है, तो ये क्या रखा है? मग. और यहाँ क्या रखा है? बकेट. तो अब ये मग और बकेट, इसमें सबसे पहले कौन सा भरेगा? ये, तो ये रॉन्ग. इट टेक्स शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम लेता है उसमें रॉन्ग. और जो लॉन्गर टाइम, बकेट भरने में ज्यादा टाइम लगता है, तो हम यहाँ पे टिक राइट करेंगे. अभी सेकेंड पिक्चर क्या है? ये 1, 2, 3, 10 तक बोल रहा है वो ओरली. और दूसरा पिक्चर है शू लेस बांध रहा है. अब दोनों में से टाइम किसको लगता है? ये शॉर्ट टाइम है तो रॉन्ग, और ये बोलेगा इसको ज्यादा टाइम लगेगा तो राइट. ओके नाउ दिस थर्ड पिक्चर, टाई बांध रहा है और हैंड वॉश कर रहा है, तो फिर टाई बांध रहा है तो इसमें रॉन्ग, और हैंड वॉश जल्दी कर लेता है इसलिए यहाँ पे राइट. नाउ दिस इज 4 पिक्चर में क्या है? ये बोट में जा रहे हैं और ये स्विमिंग पर रन हो. स्विमिंग में कितना टाइम लगता है? लॉन्गर टाइम, तो राइट. और इसमें जल्दी हो जाता है, तो ये वाला एक्टिविटी को रॉन्ग है. जो जल्दी टाइम पे पूरा होता है उसको हम रॉन्ग करते हैं, और टाइम लगता है उसे राइट करेंगे एक्टिविटी को. ओके नाउ दिस इज 5th पिक्चर. नाउ हियर यू कैन सी द बॉय इज वॉकिंग एंड गोइंग, ये चल के जा रहा है और एक साइकिल पे जा रहा है. तो अभी जल्दी कौन जाएगा? वो साइकिल वाला, और वॉकिंग वाला स्लो, उसको टाइम लगेगा. तो वी पुट टिक हियर राइट एंड दिस इज रॉन्ग. नाउ 6th पिक्चर. 6th पिक्चर इज द बॉय इज सेइंग हैप्पी बर्थडे टू यू. एक अपने फ्रेंड को हैप्पी बर्थडे बोल रहा है और दूसरा अपने फ्रेंड को लिख के बोल रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू. तो लिखेंगे हम हैप्पी बर्थडे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे राइट. और जब हम बोलते हैं तो लेस टाइम लगता है, तो यहाँ पे रॉन्ग. ओके नाउ दिस द बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क एंड द गर्ल इज हैविंग ब्रेकफास्ट. सो हु विल टेक लॉन्ग टाइम? द वन हु इज ईटिंग, जो खाना खा रहा है वो ज्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे राइट. और ड्रिंक जल्दी से करते हैं तो रॉन्ग. ओके नाउ बस एंड एरोप्लेन, हम बस में ट्रेवल करेंगे, एरोप्लेन में करेंगे, तो हम पहले कब किसमें पहुंच जाएंगे? एरोप्लेन से, तो ये शॉर्ट टाइम लेता है, रॉन्ग.
bus takes longer time, so it is right. Okay, now cycle and scooter. The boy is going on cycle. ये cycle चला के जा रहा है और दूसरे पप्पा और वो एक बच्चा किसमें जा रहा है? स्कूटर में. तो ये यहाँ पे साइकिल वाला जल्द स्लो जाएगा तो रॉन्ग, और स्कूटर वाला जल्दी पहुंचेगा तो उसको हम राइट कर रहे हैं. ओके, नाउ यू कैन सी मैच द एक्टिविटी डन इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग और एट नाइट इन एन एप्रोप्रिएट वे. अब यहाँ पे एक पूरा एक्टिविटी है, उसमें पिक्चर्स दिए गए और उसमें लिखा है मिडिल में मॉर्निंग इवनिंग और नाइट. ओके चिल्ड्रन, तो ये आपको अच्छे से पिक्चर में देखना है कि आप सुबह क्या करते हो. जो सुबह करते हो उसमें आपको एरो करना है मॉर्निंग करके, ब्रश करके मॉर्निंग, स्कूल जाकर रीड करते मॉर्निंग में, स्कूल जा रहा है मॉर्निंग, अब ये घर में होमवर्क कर रहा है इवनिंग, और अगर प्ले गेम्स प्ले करने जा रहा है तो इवनिंग में, और ये देखो सो के उठ रहा है तो मॉर्निंग. तो ये यहाँ पे टीवी देख रहे हैं एंटरटेनमेंट इवनिंग, और यहाँ पे नाइट. ओके चिल्ड्रन, सो दीज आर द एक्टिविटीज यू हैव टू डू इन योर वर्क बुक, एंड वन पेज इज ऑल्सो दिस इज फॉर योर होमवर्क. इसमें भी आपको ऐसे करना है, टिक करना है जो सबसे फास्ट और स्लो वाला देख के, एरोप्लेन है, ट्रेन है, साइकिल है, देन अगेन ये घर बना रहे हैं, ये सब एक्टिविटीज आपको देखना है और आपको खुद से राइट और रॉन्ग करना है. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.